देश में नए व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार चालान काटे जा रहे हैं। कई अजीबोगरीब चालान के मामले भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ट्रैक्टर का हेलमेट न होने की वजह से चालान काटने का ताजा मामला सामने आया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र राणा के ट्रैक्टर पर हेलमेट का चालान काट दिया गया। दरअसल ये ऑनलाइन चालान काटा गया था। देवेंद्र राणा के घर जब ट्रैक्टर का 3,000 रुपए का चालान पहुंचा तो उनके होश फाकता हो गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इससे पहले भी कई हैरान करने वाली खबरें सामने आई थीं। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के साहसपुर में पुलिस ने एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया था। पुलिस ने चालान काटकर बैलगाड़ी मालिक को चालान थमाया। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में बैलगाड़ी के चालान का कोई प्रावधान न होने के कारण पुलिस को ये चालान रद्द करना पड़ा। नंबर है UP 37 97 50 जिसे हम अपने एम परिवहन ऐप के माध्यम से चेक कर रहे थे। तो हमने जब चेक कराया RTO ऑफिस हापुड़ में, तो RTO साहब ने उसे चेक करा के हमें एक प्रिंट आउट निकलवाया जिसपे की एक बाइक का चालान है। बाइक वाला अपनी बाइक पर बैठा हुआ है। चालान में क्या, किस चीज पे चालान किया? एक तो हेलमेट में और एक बिना ड्राइविंग के लाइसेंस के चालान किया। हाँ, तो सर ने बताया कि इसमें ये ट्रैफिक पुलिस